डियर स्टूडेंट्स, कृष्णागढ़ कॉलोनी छोटनागपुर सहारनपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं भोपाल से आज बी ए एल एल बी के फर्स्ट सेमेस्टर में जनरल इंग्लिश फर्स्ट पेपर कोड BN 1001 के अंतर्गत आने वाला अंग्रेजी पाठ्यक्रम जनरल इंग्लिश के अंतर्गत ग्रामर एंड यूसेज के ऊपर अपने विचारों को व्यक्त करूंगा। जरा ध्यान से सुनिए। BA/LLB फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत ग्रामर के अंतर्गत सर्वप्रथम हम इस बात पर अपना प्रकाश डालेंगे कि ग्रामर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले सेंटेंस की जरूरत होती है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि सेंटेंस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, तो तब तक हम जनरल इंग्लिश को नहीं पढ़ सकते। आज का मेरा टॉपिक इस ग्रामर को पढ़ाने के लिए सबसे पहले मेरा टॉपिक सेंटेंस आता है। सेंटेंस को हम हिंदी भाषा में वाक्य बोलते हैं और वाक्य की अपनी एक परिभाषा होती है। वाक्य की परिभाषा मैंने इससे पहले वीडियो में भी अपनी बताई थी। जब हम लिखते और बोलते हैं तो हम कुछ शब्दों और शब्दों के समूह का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के शब्द और शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। वेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सच वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक समूह जो मिलकर अपना सार्थक भाव बनाता हो वाक्य कहलाता है। इस परिभाषा को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का कोई भी समूह जो अपना एक पूर्ण भाव बनाता हो वाक्य कहलाता है। जब भी आप किसी वाक्य को लिखते हैं तो शब्दों के समूह को किस व्यवस्था में लिखा जाता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद फिर हम वर्ब इन प्रॉपर टेंस लगाते हैं, क्रिया के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद फिर हम बचाव भाग कॉम्प्लीमेंट वाक्य में लगाते हैं। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है वह हमारी सेंटेंस कहलाती है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर संरचना के आधार पर सेंटेंसेस का हम थ्री काइंड्स सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम हिंदी भाषा में साधारण वाक्य के नाम से जानते हैं। साधारण वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम हिंदी भाषा में मिश्रित वाक्य के नाम से जानते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को हम हिंदी भाषा में संयुक्त वाक्य के नाम से जानते हैं। आज का मेरा सबसे पहला टॉपिक इस ग्रामर एंड यूसेज को पढ़ने का सेंटेंस ही रहेगा और सेंटेंस में आपको सबसे पहले आप लोगों के सामने सिंपल सेंटेंस को पढ़ाना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी समझिए। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को हिंदी भाषा में बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य की अपनी परिभाषा होती है। दो बीच है वन फाइनाइट वर्ब,
जिन वाक्यों में सिर्फ एक पूर्ण क्रिया होती है वो साधारण वाक्य कहलाते हैं। अब पूर्ण क्रिया क्या होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है पूर्ण क्रिया कंफाइनमेंट वर्ब, दूसरी होती है नॉन कंफाइनमेंट वर्ब। आज मैं सबसे पहले फाइनेट वर्ब के बारे में ही बताना चाहता हूं। फाइनेट वर्ब को हम हिंदी भाषा में बोलते हैं पूर्ण क्रिया। पूर्ण क्रिया कौन सी क्रियाएं होती है, आज ये बात समझनी होगी। वाक्य में टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार, वाक्य में टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार जिस एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है वही पूर्ण क्रिया कहलाती है। उदाहरण के रूप में रामा लाक्स एट मी, रामा लाक्स एट मी, राम मुझ पर हंसता है। यहाँ पर टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया में ऐसे लगाया तो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का बना। तो ये जो लॉक्स है ये वाक्य में फाइनाइट वर्ब का कार्य करेगी। उदाहरण के रूप में दूसरा उदाहरण आई फाउंड ही वर्किंग पेशेंटली इन हिज रूम लास्ट इवनिंग। इस वाक्य में टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार फ्रेंड की सभी फॉर्म फाउंड आई। देखिए जो वर्क वाई यदि लगाकर वर्किंग बना ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अर्थात क्रिया तो जरूर है लेकिन यह किस प्रकार की क्रिया है, ये नॉन फाइनाइट है और नॉन फाइनाइट में भी पार्टिसिपल का कार्य करती है। पार्टिसिपल का कार्य करेगी ये क्रिया जो फ्रेंड की सभी फॉर्म फाउंड है, ये वाक्य में टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार ये बदलती जा सकती है, अर्थात इसे बदला जा सकता है। किंतु ये जो वर्क मांगी ने लगाकर वर्किंग में मल्टी पर्पज को मांगी ने लगाकर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाई गई है ये वाक्य में इसका रूप नहीं बदल सकते। तो इस प्रकार से देखना ये होगा ये क्रिया दो प्रकार की होती है, एक हाईलाइट वर्ब दूसरी नॉन हाईलाइट वर्ब। हाईलाइट वर्ब में क्रियाएं होती है जो वाक्य में टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती है, और नॉन फाइनेट क्रिया के ऐसे रूप जिन पर न तो किसी टेंस का प्रभाव पड़ता और न ही सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता और न ही ये वाक्य में प्रेडिकेट बन सकती है। क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसके दो भाग बन जाते हैं, किस रूप में लिखते हैं, पहले सब्जेक्टिव वर्ब फिर ऑब्जेक्ट उसके बाद बचा हुआ भाग कॉम्प्लीमेंट। ऐसे कंडीशन में क्रिया से पहले वाला भाग सब्जेक्ट, क्रिया के बाद का भाग प्रेडिकेट कहलाता है। क्रिया से पहले वाला भाग जो सब्जेक्ट होता है, क्रिया के बाद का भाग जो प्रेडिकेट होता है, तो इस भाग के बाद आने वाला जो भी भाग होता है उसका प्रेडिकेट बनता है, अर्थात जो फाइनाइट वर्ब के बाद का भाग होता है वही वाक्य में प्रेडिकेट कहलाता है। तो इस प्रकार से जो नॉन फाइनाइट होती है वो कभी भी वाक्य में प्रेडिकेट नहीं बन सकती, बल्कि वो प्रेडिकेट पर का ये भाग बन सकती है। उदाहरण के रूप में आई सब्जेक्ट हुआ, फाइन की सेंट फॉर्म फाउंड ये मुख्य क्रिया हुई, ही वर्किंग प्रेजेंट ही हिज रूम लास्ट इवनिंग ये बचा हुआ भाग पूरा का पूरा जो भी है ये प्रेडिकेट पार्ट बनता है। तो प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा तो बन सकती है लेकिन ये प्रेडिकेट पार्ट नहीं बन सकती। तो इस प्रकार से जिन वाक्यों में सिर्फ एक पूर्ण क्रिया आती हो तो वे वाक्य हमारे कौन से कहलाते हैं, सिंपल सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य कहलाते हैं। और ये जो फाइनाइट वर्ब होती है ये वाक्य में टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार बदलती चली जाती है। जो टेंस होते हैं, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कि प्रेजेंट टेंस अपने आप को चार भागों में बढ़ता है, ऐसे ही पास्ट चार में बढ़ता है, ऐसे ही फ्यूचर चार भागों में बढ़ता है। तो 12 प्रकार के टेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं। और
जब किसी सेंटेंस को हम टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं तो इस मुख्य क्रिया को अर्थात पैरेंट वर्ब को हम टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार कितने भागों में बांट सकते हैं? 12 भागों में। तो इस प्रकार से जो फाइनाइट वर्ब होती है अगर हमारी 12 भागों में बढ़ जाती है अर्थात टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का जो प्रयोग में लाया जाता है वह पूर्ण क्रिया कहलाती है। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ साधारण वाक्य। साधारण वाक्य की मैंने परिभाषा बताई, दो स्पीच है उनमें फाइनाइट वर्ब जिन वाक्यों में सिर्फ एक पूर्ण क्रिया होती है। तो इस बात से पता चलता है कि जो फाइनाइट वर्ब है तो फाइनाइट वर्ब के साथ में दूसरी एक पूर्ण क्रिया होती होगी उसका नाम है नॉन फाइनाइट। अब अंग्रेजी भाषा में नॉन फाइनाइट को हम बोलते हैं अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया। अंग्रेजी भाषा में तीन प्रकार के नॉन फाइनाइट होते हैं। अंग्रेजी भाषा में तीन प्रकार के नॉन फाइनाइट होते हैं, पहला पार्टिसिपल, दूसरा इन्फिनिटिव, तीसरा जीरंड। इन तीनों के ऊपर मेरा वीडियो अलग्य होगा, उसे मैं डिटेल से बताऊंगा। आज मैं सिंपल सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ कि सिंपल सेंटेंस ये होते हैं जिन वाक्य में सिर्फ एक पूर्ण क्रिया होती है, और पूर्ण क्रिया वह होती है जो वाक्य में टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती है। अब मेरा दूसरा टॉपिक होता है कि ये सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। आज मैं सिंपल सेंटेंस के प्रकार बताऊंगा। Kinds of simple sentences. और मैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बना रहा हूँ, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाऊंगा, फिर उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस बनाऊंगा। पहले मैं सिंपल सेंटेंस को पूरा करना चाहता हूँ। काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? सिंपल सेंटेंस को हम चार भागों में बांटते हैं। सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। और नंबर चार एक्सक्लूसिव। आज हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसी प्रकार से एक्सक्लूसिव सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसी प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इन बातों को जानने के पश्चात जो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा टेंस, उसके बारे में बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंस का हम हिंदी भाषा में बोलते हैं विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य जैसा कि इन वाक्यों का टाइटल अपने आप में शो करता है, जिन वाक्यों में किसी कार्य का होना या न होना पाया जाए वे वाक्य हमारे विधि सूचक वाक्य होते हैं। उदाहरण के रूप में गंगा हिमालय से निकलती है तो क्या बना वाक्य? दी गंगा राइजेस फ्रॉम दी हिमालय। गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में किसी कार्य का होना पाया गया और कार्य हमारा विधि विधान के अनुसार हुआ। सूर्य पूर्व में निकलता है, दी सनराइज इन दी ईस्ट, इसमें कार्य का होना पाया गया। किसी कथन का कहा जाना, किसी कथन का कहा जाना एसोसिएटेड वाज ग्रेव सुकरात बहादुर थे, इसने एक कार्य का न होना पाकर बल्कि इसलिए कथन का कहा जाना पाया गया। सुकटीज बात ग्रेव सुकरात बहादुर थे,
तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं विधि विधान के अनुसार जिनमें किसी कार्य का होना या न होना, किसी कथन का कहा जाना या न कहा जाना पाया जाए, इन वाक्यों को हम विधि से चपवाक्य बोलते हैं। अर्थात इनमें कोई घटना या सार्व या सार्वभौमिक घटना घटित होती है। अब उदाहरण के रूप में ये जो असर्टिव सेंटेंस है ये भी अपने आप को दो भागों में पड़ता है। एक पहला होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी का दूसरा भाग होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का भाग होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि असर्टिव सेंटेंस से किसी कार्य का होना या न होना, किसी कथन का कहा जाना या न कहा जाना पाया जाता है। तो इस प्रकार से इन वाक्यों में किसी कार्य का होना पाया गया, इस वाक्य में किसी कथन का अर्थात किसी कथन का कहा गया अर्थात किसी कथन को कहा गया। इस प्रकार से दोनों ही वाक्य हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम इन वाक्यों को नकारात्मक अर्थात निगेटिव सेंस में बना दें तो वाक्य विधि विधान के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, इनमें किसी कथन का होना भी नहीं पाया जाएगा। तो ऐसे में अगर हम इन वाक्यों को विधि विधान के अनुसार बताना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें इनमें परिवर्तन करना होगा। उदाहरण के रूप में हमने कहा दी गंगा राइजेस फ्रॉम दी हिमालय, गंगा हिमालय से निकलती है। अगर हम इसका निगेटिव बनाने लगे कि गंगा हिमालय से नहीं निकलती, तो जो गंगा हिमालय से निकलती है जो अपने आप की एक सत्य घटना है तो वो हमारा गलत होगा। अगर हम इसे वाक्य को निगेटिव बनाना है तो हम कहेंगे कि गंगा किसी हिमालय का नाम लेने पर किसी दूसरे पर्वत का नाम ले देंगे, तो इस प्रकार से वाक्य हमारा सत्य भी हो जाएगा और वाक्य नकारात्मक भी हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने कहा कि सुक्रेटिस वाक्य प्रेम सुक्रात बहादुर था। अगर हम कहने लगे कि इसका निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कि सुक्रात बहादुर नहीं थे, तो जो हमारी बड़ी बड़ी पुस्तकें जिनमें सुक्रात के बारे में लिखा हुआ है तो वे सभी झूठी पड़ जाएंगी। इस प्रकार से हम इस वाक्य को कहेंगे सुक्रेटिस वाज नोब्रेव, सुक्रेटिस वाज नोब्रेव न कहकर हम कहेंगे सुक्रेटिस वाज नोकोवर्ड, सुक्रेटिस वाज नोब्रेव न कहकर सुक्रेटिस वाज नोकोवर्ड। अर्थात सुक्रात कोई काया नहीं था तो फिर भी कथन हमारा निगेटिव बन गया, लेकिन वाक्य में विधि विधान के अनुसार कथन कहा गया सुक्रेटिस वाज प्रेम, सुक्रेटिस वाज नॉट कवर्ड, सुक्रात काया नहीं थे, इसका मतलब सुक्रात कैसे थे, सुक्रात बहादुरी थे। तो प्यारे विद्यार्थियों जो असर्टिव सेंटेंस होता है वह दो भागों में बढ़ता है, पहला अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव के अंतर्गत बात को स्वीकार किया जाता है और निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत बात को नकार दिया जाता है। अब दूसरा नंबर आता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी भाषा में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं, दोज विच आस्क द क्वेश्चन, परिभाषा बनती है दोज विच आस्क द क्वेश्चन, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाता हो वे वाक्य हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और एक प्रश्न पूछने की दो विधि होती है, एक हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, दूसरा हिंदी वाक्यों के बीच में क्यों कब कहां कैसे किसने किसको क्या आदि सब आते हैं। इन वाक्यों में क्या की अंग्रेजी जो हिंदी भाषा में क्या से प्रारंभ होते हैं, क्या की अंग्रेजी भाट नहीं लगाते बल्कि जिस टेंस का भी वाक्य होता है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं। उदाहरण के रूप में क्या वह गंगा जी में स्नान करता है, क्या वह गंगा जी में स्नान करता है, तो क्या करता है ऐसा है क्या आ जाए प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का वाक्य हुआ। अब प्रेजेंट इंडिपेंडेंस की एक्टिव वर्ब टू वर्ड डज होती है, तो ही के अनुसार एक्टिव वर्ब वाक्य आने के लिए डज, तो वाक्य क्या बना तुम्हारा डज ही बाथ इन द गंगा, दसी बाकी दिन होगा और बाकी का अंत में क्वेश्चन मार्क। अब इसी के वाक्य को अगर हमें इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बनाना तो हम क्या कहेंगे, वह गंगा जी क्यों स्नान करता है, वह गंगा जी कब स्नान करता है, वह गंगा जी कैसे स्नान करता है। तो जो भी हमारा क्वेश्चन बढ़ा है वो बाकी के
आदमी क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से एक इंप्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारा दो प्रकार का हो जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं मीन इंप्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहलाते हैं, और जो किसी क्वेश्चन वर्ब से प्रारंभ होते हैं जैसे डब्ल्यू एच या हाउ हेल्पिंग होते हैं उन वर्ब को हम इंप्रोगेटिव सेकंड टाइप अर्थात सिंगल इंप्रोगेटिव और डबल इंप्रोगेटिव के नाम से जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज का मेरा टॉपिक यहीं पर पूरा होता है। आज मैंने सिंगल सेंटेंस के दो भाग बता दिए, पहले असर्टिव सेंटेंस दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगली वीडियो में मैं इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सप्लोरेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल से बताऊंगा। फिर बीएएलएमटी पाठ्यक्रम के लिए जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट कोड BL 1001 जो पहला पेपर होगा उसमें ग्रामर एंड यूसेज के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा यूज ऑफ टेंसेस। टेंस के बारे में बताऊंगा, फिर वर्ब्स के बारे में बताऊंगा, डिटरमाइनर्स जो सीमित करने वाले शब्द होते हैं के बारे में बताया जाएगा, प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा।